साइंस 10th बोर्ड एग्ज़ाम 16 मार्च 2018 को होगा। उससे पहले हम कुछ ज़रूरी टॉपिक्स के नोट्स डिस्कस कर लेते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं लाइट्स की कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ की। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट हैज़ अ ड्यूअल प्रॉपर्टी दैट इज़ बिहेव एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। उसके बाद मीडियम, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकती है। सोर्स की बात करें, एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट्स, जैसे कि ल्यूमिनस, एग्जांपल के तौर पे सन और स्टार, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुए हमारे पेन, कॉपी और बुक। इससे आगे चलते हैं तो रे ऑफ अ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विद द लाइट ट्रेवल्स। वो एक स्ट्रेट लाइन जिसके साथ साथ लाइट ट्रेवल करती है। बीम इज अ ग्रुप ऑफ रेज। टाइप ऑफ बीम्स की बात करें तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब जो एक जगह आकर मिले, और डाइवर्जेंट जो एक पॉइंट से कई पॉइंट्स में फैल जाए। तीसरा हमारे पास होता है पैरेलल रेज, यानी कि जो कभी आपस में नहीं मिलती। बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीडियम। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, यानी कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन में जाएं और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन द लाइट रेज बाउंसेस पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ एंड द शाइनी सरफेस, जो स्मूथ और शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो व्हेन द लाइट रेज आर नॉट पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ और डल सरफेस एंड आर ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमेशा। और दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो दूज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हेलो स्फेरिकल मिरर। नीचे दो आपके सामने स्फेरिकल मिरर्स दिए हुए हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। लीनियर मैग्निफिकेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 और i अपॉन o, जहां पर i हुआ हमारा हाइट ऑफ इमेज और o हुआ हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसके हम तीन केस डिस्कस करते हैं। केस वन, वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, तो जो इमेज होगी वो इनलार्ज्ड यानी कि बहुत बड़ी होगी। केस टू की बात करें, वैल्यू ऑफ m इज स्मॉलर देन 1, तो इमेज स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। केस थ्री, अगर वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1 होगी तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही इक्वल होंगे। डेविएशन ऑफ लाइट की बात करें तो ये होता है डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, पास करती है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इंडेक्स के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। हमें पता है हमारे पास म्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, तो वैल्यू पुट करेंगे, सी हुई स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 अपॉन वी 3/2। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10^8×2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट, अ मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जिस भी मीडियम का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हायर होगी वो डेंसर मीडियम होगा। स्फेरिकल मिरर की लेंसेज की बात करें तो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं कन्वर्जेंस, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो मिडल पार्ट होता है वो थिक होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये मिडल पार्ट है, ये थिक है, और एजेस इसके शार्प होती हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस की जो थिक एजेस होती हैं वो थिक होती हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और ये मिडल से थिन होता है ये पोर्ट, और ये डाइवर्ज करता है रेज को। फॉर्मूले की बात करें तो 1/V − 1/U = 1/F, जहाँ पर u होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर,
V होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और F होता है हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. कोवेलेंट बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया. इसी तरीके से F2, जैसे F ने अपने शेयर किए हैं. बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की. एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारे पास जो वैलेंसी आया वो 6. यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन्स ने आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और O डबल बॉन्ड बनाया. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एग्जांपल होगा N2. यहाँ पर नाइट्रोजन आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन दो मॉलिक्यूल्स शेयर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं. आर एलोट्रॉप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन. पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पोलन ग्रेन्स. ये दो तरीके का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन एक ही फ्लावर में, इसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन. और क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है एंथर से स्टिग्मा तक बिटवीन द फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि जो फूल दूसरे प्लांट पर अवेलेबल होगा उसके साथ ये क्रॉसिंग करेगा. की बात करते हैं पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में. पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. दूसरी तरफ इट अकर्स ओनली स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट. और जो फर्टिलाइजेशन होता है इट अकर्स इन ऑल द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की बात करते हैं. एक ऐसी एज जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं और वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. मेल्स में प्यूबर्टी एज होती है 14 to 15 years, वहीं फीमेल्स में ये एज होती है 13 to 14 years. अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं स्क्रॉटम, जिसका स्लाइटली लो टेम्परेचर होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. दूसरा पेयर ऑफ वास डिफरेंसेस, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में मदद करते हैं. पेयर ऑफ सेमिनल वेसल्स, दे स्टोर द स्पर्म एंड हेल्प द मैच्योरेशन. वो अपने अंदर स्पर्म को स्टोर करते हैं और उसकी मैच्योरेशन में मदद करते हैं. स्ट्रेट ग्लैंड, बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम में होती हैं ओवरीज, एक पेयर ऑफ ओवरीज, एक ओविडक्ट, एक फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस. फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप होता है डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टी नोन एज फंक्शनल ग्रुप. कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं. पहला हमारे पास हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, यानी कि सी डबल बॉन्ड OH, कीटोन COO और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट, सॉप सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहीं डिटर्जेंट होते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड. सॉप्स की अगर बात करें तो दे गिव फॉर्म इन सॉफ्ट वाटर ओनली, और डिटर्जेंट की बात करें दे प्रोड्यूस लेथर इन हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर. वहीं मॉलिक्यूल ऑफ सॉप्स आर बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन. और वहीं डिटर्जेंट की बात करें तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर कॉज पॉल्यूशन. सॉप्स पॉल्यूशन नहीं करती हैं और डिटर्जेंट पॉल्यूशन करता है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच द प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोग्योल.
इट इज़ कॉमन इन दोज प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, यानी कि हम प्लांट के पार्ट से ही नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर हमें सीड्स की जरूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वन डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 1 m फोकल लेंथ। ये पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 m होती है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर 2d। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और उससे हमारे पास f आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 m। मैरिकल करते हैं फिजिक्स का। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये एक जरूरी पॉइंट हुआ। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई का डायग्राम इस तरीके से होगा। आपको इसकी लेबलिंग्स अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपकी लेबलिंग्स के मार्क्स होते हैं। बात करते हैं इसके पार्ट्स की फंक्शनिंग के बारे में। तो पहला पार्ट आता है हमारे पास कॉर्निया। कॉर्निया इज द एक्सपोर्ट पोर्शन ऑफ सिलेरिया, इट कन्वर्जेस द लाइट रेज, यानी कि ये लाइट को कन्वर्ज करता है हमारे रेटिना पर। आयरिस की बात करें, इट इज़ अ मसल्स एंड पिगमेंट्स, ड्यू टू द पिगमेंट्स इट डिटरमाइन द कलर ऑफ आई। आयरिस हमारे लिए कलर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और ये अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आँख में कितनी लाइट एंटर हो उसे रेगुलेट करता है। सिलेरी मसल्स, दे कीप द आई लेंस इन पोजिशन, ये आई लेंस को पोजिशन में रखने में मदद करती हैं और इनके पास एबिलिटी होती है लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने की। रेटिना की बात करें, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल, ये सबसे अंदर की लेयर होती है आई बॉल की। फोटो सेंसिटिव सेल्स की कंपोज होती है और इसमें दो तरह के सेल होते हैं, रोड शेप्ड सेल और कोन शेप्ड सेल। रोड सेल्स हमें मदद करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट में और कोन शेप्ड जो सेल्स होते हैं वो हमें कलर आइडेंटिफाई मदद करते हैं। ऑप्टिक नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्लाइंड स्पॉट एंड ट्रांसफर द नर्व इम्पल्स टू ब्रेन। ऑप्टिक नर्व हमारे इम्पल्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है ब्रेन तक। आई डिफेक्ट्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास पहला आता है मायोपिया, जिसमें कि एक इंसान नियर के ऑब्जेक्ट देख सकता है बट दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, यानी कि फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज शिफ्टेड एंड बिकम लेस देन इन्फिनिटी। इसके कारण क्या होते हैं, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल यानी कि आई बॉल का फैलना, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का डिक्रीज होना और सिलेरी मसल्स का रिलैक्स होना किया जाता है कॉनकेव लेंस यूज कर। डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपीरिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच एक पर्सन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता, यानी कि उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। इसका कोर्स क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल यानी कि आई बॉल का छोटा होना और फोकल लेंथ का बढ़ना। ये डायग्राम होगा इस तरीके से, इमेज चेंज होती हुई चली जाती है, ये नॉर्मल आई है फर्स्ट, ये डिफेक्टिव आईज है और इसके लिए हम जो लेंस यूज करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए। डिस्पर्जन अ फिनोमेना इन विच व्हाइट लाइट गेट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है जिसे हम विगब्योर के नाम से भी जानते हैं, जब वो व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू पास की जाती है। स्पेक्ट्रम की बात करें, द बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विच आर ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्जन एंड पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उन 7 कलर को ही हम स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। एवोल्यूशन स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग वर्ल्ड कॉज जिस इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद टाइम। एवोल्यूशन समय के साथ धीरे धीरे जो चेंजेस दुनिया में आते हैं उससे डाइवर्सिटी टाइम के साथ बदलती जाती है। वेरिएशन द डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्प्रिंग्स एंड विद देयर पेरेंट्स, वेरिएशन बच्चों और उनके पेरेंट्स में जो डिफरेंस होता है उसे वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एक ऐसी ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करती है।
कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक में हमारे पास आते हैं एयर, वाटर, सनलाइट एंड सोयल, और बायोटिक की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजिशर्स। जिसमें कंज्यूमर्स में आए हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी, डिकम्पोजिशन में आए बैक्टीरिया एंड फंगी, और प्रोड्यूसर में हमारे पास आए प्लांट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए। बाकी इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।